दो दिन पहले लूट का विरोध करने पर एक व्यापारी की हत्या कर सबको सकते में डाल देने वाली वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश अभी फरार है। बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल, तमंचे व वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बीती 6 मई को एक व्यापारी हनी सप्रा की बदमाशों ने उस वक्त हत्या कर दी थी, जब बदमाशों ने व्यापारी से नकदी से भरा बैग लूटने की कोशिश की और व्यापारी के विरोध करने पर उन्होंने उसे गोली मार दी। उसी दौरान एक गोली बदमाश को भी लगी थी, जिसके बाद पकड़े गए बदमाश उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई और साथ ही बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए फिलहाल दो बदमाश अजहर और जिसान को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी साजान अभी फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से पिस्टल, तमंचे और बाइक बरामद की है। क्राइम स्टोरी के लिए मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। देखिए, इस घटना में टीपी नगर में रात में 9:45 बजे घटना हुई थी। वो कलेक्शन एजेंट है और बाजार से अपना पैसा कलेक्ट करके अपने ससुराल जो टीपी नगर में वहीं घटनास्थल से थोड़ी दूर थी वहां जा रहे थे। तो मोटरसाइकिलों पे 4 बदमाशों ने इनको ओवरटेक किया, इनका बैग छीनने का प्रयास किया, इन्होंने रेजिस्ट किया। इसी में गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक ने एक फायर किया जो उसका बैग छीन रहे दूसरे बदमाश के सिर पे लग गया। इसी आपाधापी में गिरफ्तार बदमाश जीशान के मुंह पे बंधी हुई रुमाल गिर गई। उसने पहचान लिया, जोर से आवाज लगा के कहा भी कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ऐसा सुनने पे जीशान ने ही उस व्यापारी को गोली मार दी और तब तक इनको ये एहसास हुआ कि हमारे ही एक साथी को गोली लग गई है, उसको मोटरसाइकिल में बीच में बिठा के ये वहां से भाग गए। उस भाग दौड़ में इनकी अपनी भी एक मोटरसाइकिल वहां छूट गई और एक अपराधी भी छूट गया जो भाग गया। जीशान के बारे में ये बताया गया है कि लूट में और जो मृतक है वो भी लूट में जेल जा चुके हैं। इनके डिटेल आपराधिक इतिहास की जानकारी होते ही हम आपको बता देंगे।